गवर्नमेंट के तरफ से आए थे, माय चेयरमैन, माय सीईओ, मैं डिप्टी सीएम, अभी त्रिपुरा में एक नया चीफ मिनिस्टर आया है, और एक प्रोटोकॉल होता है कि हम नए चीफ मिनिस्टर से मिले और उनको अपने ईडीसी के बारे में बात करें। तो हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से उनसे हमारी आज मुलाकात हुई है और हमने कहा है कि आपको पूरा ईडीसी का एक रिव्यू करना चाहिए। अभी एक नया चीफ मिनिस्टर आया त्रिपुरा में, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बहुत इश्यूज़ हैं, हमारे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप नए तरीके से देखिए और उसको एड्रेस कीजिए। पॉलिटिक्स एक जगह में है और एडमिनिस्ट्रेशन एक जगह में है, हर चीज़ को आप पॉलिटिक्स से लिंक नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा त्रिपुरा को डेवलप करना है तो ईडीसी को छोड़कर आप त्रिपुरा को डेवलप नहीं कर सकते, तो इसी बात पे हमारा आज मीटिंग। उनका कहना था कि वो एक रिव्यू मीटिंग करेंगे, हम उनको एक ऑफिशियल लेटर भी भेजेंगे कि एक रिव्यू हो ऑल डिपार्टमेंट्स ईडीसी को लेकर और कहाँ कहाँ में जहाँ में हमको लगता है प्रॉब्लम है उनको लेकर, ऑफिसर्स को लेकर। हमारे आईएएस ऑफिसर भी यहाँ में है, सी के जमतिया, उनसे बैठकर हम लोग एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। प्रॉब्लम्स और विलेज काउंसिल इलेक्शन भी है, कब होगा ये विलेज काउंसिल इलेक्शन उसके बारे भी हमको बैठकर एक पूरा रिव्यू करना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप सबका साथ सबका विकास नहीं बोल सकते जब तक ईडीसी को आप डेवलप नहीं करें।